सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग और खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और देखते हैं आज क्या करते हैं। और मैं पहली बार फेस कैम लेके आ रहा हूँ, तो गॉड है। मैं आज माइक्रोफोन मैं सॉरी हेडसेट नहीं पहना, तो सॉरी इसके लिए। तो जैसे आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, मैंने एक कैट को पाला था, कैट और एक हॉर्स हॉर्स पाला था मैंने। तो सॉरी अगर मेरा फेस कैम थोड़ा अजीब हो रहा है, तो लैग हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। देखो यहाँ पे आकर, और रात हो रहा है, बाद में रात भी निकलेंगे आके परेशान करेंगे। रात को मैं नहीं जागता कभी भी, तो अभी है। और ये रही कैट, उसको मैंने कल ही शायद, जब मैं ऑफ कैमरा खेल रहा था माइनक्राफ्ट को, तब मैंने इसे कुछ दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा हॉर्स, दो हॉर्स, पता नहीं क्योंकि कोई इस गेम में एनिमल्स का जेंडर नहीं होता। ये एक ब्लैक हॉर्स है और ये एक ब्राउन हॉर्स है ना। हम लोग आने वाले एक सेकंड, बहुत ज्यादा है। हाँ तो फार्म बनाने के लिए पहले वुड चाहिए पड़ेगा, तो वुड के लिए मैं वुड ओके। तो हमारे पास सारा वो है, अभी एक वुड से मेरे को नहीं लगता पूरा मैं बड़ा सा एक अच्छा सा बनाने वाला हूँ। और जिस हम लोग वीट वो सब रख पाए, मेरे को ज्यादातर वीट का जरूरत नहीं है। मैं फार्म में ना वहां से भी चुरा के लेके आ सकता हूँ, पर और भी बहुत सारी चीज है ना जो इस विलेज में नहीं होता, कोई कोई विलेज में फार्मिंग का चीज है। तो अभी ये इनफ है मेरे को जितना लगता है। हाँ, और जिनने नोटिस नहीं किया होगा, तो मेरे पास एक डायमंड पिकैक्स भी आ गया है, आप देख सकते हो। पर फास्ट माइनिंग करता है, तो बहुत अच्छा बात है। देखते क्या क्राफ्ट कर सकते हैं अभी हम लोग। ओके, सबसे पहले हमें कुछ स्टिक्स क्राफ्ट करना होगा। तो इतना स्टिक शायद, तो इससे पहले हमें हो भी चाहिए होगा, तब जिसे खेती करते हैं ना। बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। कि पता नहीं मेरे घर के बाहर कोई फेस्टिवल जैसा कुछ चल रहा है, मेरे को खुद नहीं पता शादी हो रहा है कि क्या हो रहा है, इसलिए बहुत आवाज आ रहा है। और एक सेकंड, क्राफ्टिंग टेबल में नहीं जाना था। और हमें पानी पानी भी चाहिए। एक गलती है कि पानी के लिए हमें वाटर बकेट चाहिए पड़ेगा, तो वाटर बकेट कहाँ से आएगा? वाटर बकेट तो है, बाद में आयरन चाहिए पड़ेगा जिससे मैं वाटर बकेट बना पाऊ। और वो एक आयरन कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे क्या अच्छा होगा, आयरन मिलेगा तो जाके देख लो यहाँ पे कुछ मिलता है।
मेरे को लगता है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, वहां पे जाके एंड होता है गेम मेरे को जितना लग रहा है। तो ये फालतू है, ये केव में कुछ नहीं मिलने वाला। अभी मेरे को कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कैसे जुगाड़ करूंगा मैं, नहीं तो इनका ही केव चुरा लेता हूँ मैं। एक सेकेंड, इनका ही केव में चुरा लेता हूँ। ये केव को लेने का भाई पता नहीं। और ठीक है, तो मैं अभी के लिए बस ये दो रखूंगा, जब मेरे पास इनफ आयरन आ जाएगा ना, और की केव बना लूंगा, केव नहीं सॉरी फार्म, मैं केव बोलता हूँ, और के फार्म बना लूंगा वहां पे अलग सा। इसलिए यहाँ पे एक अलग चीज का फार्म होगा, यहाँ पे अलग चीज का फार्म होगा। ठीक है, तो अभी ये डन हो गया है। और ये भी अच्छा है कि यहाँ पे कॉम्पोजर लगा है, तो मैं उससे बोन मील बना सकता हूँ। वो भी मेरे को चाहिए पड़ेगा कुछ सीड, अभी मेरे चेस्ट में बहुत सारा सीड है, तो चिंता की जरूरत नहीं है, चिंता करने की नहीं है। मेरे चेस्ट में भर भर के सीड रखा है, यहाँ पे इतना ले लेता हूँ, मेरे को लगता है इतना बस है उसके लिए। एक सेकेंड, इसे ट्रेड नहीं करना, और तुम मैं भूल रहे हैं, हाँ बोल के। ओके, तो अभी नहीं करना है। हाँ, तो अभी हमें जो बचा कुचा सीड है उनको मैं कॉम्पोजर में डाल देता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में एक्स्ट्रा सीड मिलेंगे तो हेल्प होगा ना हम बोन मिल बनाने के लिए, जिससे और भी चीज क्राफ्ट हो सकते हैं, बोन मिल से हम लोग ग्रो कर सकते हैं इसे। ये मैंने पता नहीं यहाँ पे वीट का सीड क्यों लगाया, और मेरे को जितना लगता है मेरे पास शायद कैरेट है, तो मैं वहां पे कैरेट का सीड लगा सकता हूँ, है तो सही। मेरे कैरेट तो है, 8 कैरेट है मेरे पास, और 2 बीटरूट भी है, और मैं बीटरूट का फार्म भी बना सकता हूँ, पर अभी फिलहाल कैरेट का बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पे रखो, तो मैं वो जो मैंने एक्स्ट्रा सीड लगाया था ना उसे निकाल देता हूँ मैं, और फिर थोड़ा सा कैरेट लगाऊंगा मैं। हो गया, खुद को खाना नहीं है, प्लेस करना। कैरेट का कमी है थोड़ा, वहां पे आके देखता हूँ, विलेज के आसपास घूम के देखता हूँ, वहां पे शायद कैरेट मिल सकते हैं। कैरेट है, अच्छा हमें 1 कैरेट तो मिल गया, वो 13 कैरेट, ये तो मेरे को नहीं पता था। मेरे पॉकेट में शायद पहले से ही कैरेट पड़ा हुआ था, तो मैं एक्सप्लोर नहीं करूंगा उनके लिए, मैं एक्सप्लोरेशन के लिए वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं जाके एक्सप्लोर करूंगा इस तरह की, वो भी यहाँ पे है इस विलेज में। एक्चुअली नहीं, विलेज के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड है, क्योंकि मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड बिलो का सीड यूज किया है इस विलेज में वर्ल्ड के लिए, तो मेरे को लगती है। और ये पगलेट आके मेरे फार्म के ऊपर खड़ा हो गया, जंप नहीं करता, जब तक ये जंप नहीं करेगा तो ये टूटेगा नहीं, या फार्म जब तक कोई जंप नहीं करता। अभी और 1 2 3 4 5 6 और 6 कैरेट चाहिए पड़ेगा इसे फुल करने के लिए। वैसे भी 1 कैरेट को अगर तोड़ते हैं तो बहुत सारा कैरेट मिलता है, तो मेरे को इन्हें खाना नहीं खिला सकते, ये सबसे गंदा बात है। कैसे नहीं खिला सकते कि ये देखो मेरे पास इतना सारा वीट है, और अगर मैं यार राइट क्लिक करूंगा तो मैं उसके ऊपर ऑटोमेटिक बैठ लूंगा, ठीक है। और इससे मैंने सैडल उठा के भी इसे खिलाने का ट्राई किया था, पर तभी क्यों नहीं, क्यों नहीं होता पता नहीं, कैसे खिलाएंगे मेरे हॉर्स को, क्योंकि हॉर्स और क्या खाते हैं, मतलब मैं खाती है एप्पल्स का भी ट्राई किया था, ये नहीं खाता, कि अगर मैं राइट क्लिक दबाऊंगा ना हॉर्स के ऊपर ये बैठ जाते, तो सैडल निकालने से भी बैठ जाते। इसके लिए मैं एक मछली लेके आऊंगा।